अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है हम ईरानी मेट्रो में सफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे समझने में थोड़ा सा हमें टाइम लगा क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन चल रही हैं, एक नहीं है, 7 ट्रेन चल रही हैं और 7 कलर्स उन्होंने दे दिए हैं। सबसे अच्छी बात कि आपको अपनी डेस्टिनी पता हो और कहाँ जाना है तो वो कलर की बस जो है, यानी कलर की ट्रेन जो है मेट्रो, वो आप याद रखेंगे तो आपको जो है अच्छा से आप बैठ सकते हैं। और जहाँ डेस्टिनी जाना है मैप के थ्रू जो है वो आप अपने देखें और उस अपने जो भी रिक्वायर्ड स्टेशन है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ये एक अच्छी एफर्ट है ईरान की। इस ट्रेन सिस्टम को उनको बनाने में 50 साल लगे। ज़रा सा सोचें, 50 साल इस शहर में कितनी जो है वो रद्दबदल हुई होगी, कितनी खुदाइयाँ हुई होंगी और कितना जो है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन और ये हुई होगी, कितना लोगों ने यहाँ तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी। आज ये सहूलत है हमारे पाकिस्तान में। एक लाहौर में जो है वो पुरानी हुकूमत ने जो है एक मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाना चाहिए, उसके लिए कितने कमेंट्स आए। न्यूज़ हमारी खुद न्यूज़ चैनल्स ने इतने उनको ब्लेम किया और वो किया। अब जब वो चलने लगी, अभी थोड़े से बाद उसके रिजल्ट्स आपको खुद नज़र आएंगे। तो ये एक अच्छी एफर्ट है। 50 साल कोई छोटी बात नहीं होती है। एक नस्ल ख़त्म हो जाती है, दूसरी नस्ल आ जाती है, तो एक अच्छी एफर्ट है। अभी हम इसको और एक्सप्लोर कर रहे हैं और ट्रेन में भी सफ़र करके देखेंगे। टिकट बहुत ही सस्ता है, यहाँ का 1200 रुपये है और पाकिस्तानी अब चले तो मुश्किल से हार्डली 2 रुपये भी नहीं है पाकिस्तानी टिकट, तो एक अच्छी एफर्ट है यहाँ की। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट आपको स्टेशंस मिलेंगे और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आपको शॉप्स भी मिलेंगी। जैसे अभी हम स्टेशन पर आए, हमने जो है शहराज जाना है, उसकी टिकट बुक करवाना है, तो यहाँ पे हम जैसे ही ट्रेन से निकले और थोड़ा एक फ्लोर ऊपर आए, अब हमने एग्जिट होना है बाहर की तरफ, तो उसके अंदर भी जो है वो उन्होंने शॉप्स दी हुई हैं लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए। टिकट घर जो है हर स्टेशन पर है, आपको कार्ड भी मेट्रो का यह बन जाता है और टिकट भी आपको मिल जाता है, जो इंतहाई आसान है तरीके से। और बहुत अच्छा जदीद सिस्टम ईरानियों ने लगाया है इधर। और एक्सेलेटर जो है वो जो मैंने पहले कहा वन साइडेड है, अब मैंने बोथ साइडेड भी देखे। बाज जगह पे जो है कंस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं और बाज जगह पे जगह खाली छोड़ी हुई है और अभी लगने बाकी है। अख्तर भाई के साथ होंगे ना तो ये बनाने का टाइम नहीं होता। Bismillahirrahmanirrahim.
और
यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि मेट्रो भी यहाँ पे ना मंजिलों के हिसाब से लेवल पे 7 मंजिलें हैं यहाँ पर, 7 ट्रेन सिस्टम चल रही हैं, यानी कि 7 फ्लोर्स पे काम कर रही हैं। और ये 7 फ्लोर्स मुझे अच्छे लगे क्योंकि यहाँ पर ईरानी मेट्रो अपना वो बोलता सबूत है कि वाकई इन्होंने मेहनत की है, और इतनी मेहनत की है कि वो दिखती है कि कितनी मेहनत की है। सुबह से अभी तक हम मेट्रो में घूम रहे हैं, अभी वापस अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं। मेट्रो को हमने अपने जो है वो एक्सलेंट पाया, और यही वजह है कि आप जब भी आए तहरान तो मेट्रो जो है वो ज़रूर यूज़ करिएगा। ये भी देखिएगा इनकी एफर्ट का और इनकी इतने सालों की मेहनत का नचोड़ जो अब आवाम को मिल रहा है। उस वक्त के लोगों ने जो सोचा फ्यूचर के लिए, और आज की जो फ्यूचर जनरेशन है उसको यूज़ कर रही है और दुआएँ दे रही है अपने पास के बुज़ुर्गों को। ये दूरअंदेशी होती है, ये वो चीज़ें होती हैं जो हर कोई नहीं सोचता। ईरानी मेट्रो कई मंजिलों पे मुश्तमिल है, 7 ट्रेनें यहाँ पे चलती हैं डिफरेंट नेटवर्क्स पे, आपस में इंटरलिंक भी होती हैं, और उसके साथ साथ डिफरेंट स्टेशन पे जाके पूरे ईरान को कवर करती है। जैसे अभी हम ताजरिश से जो है निकले हैं और अभी हम जो है मेन सेंटर जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है आवाम की भलाई के लिए हैं, और तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं, मुश्किलें ज़रूर होती हैं, लोग सामने बहुत आते हैं रोकने के लिए, मगर यकीन है कामिल हो तो आपका रास्ता ज़रूर बनता है। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट शॉप्स भी इन्होंने डिफरेंट फ्लोर्स पे रखी हुई हैं लोगों की सहूलत के लिए, और हम जैसे जो टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे घूमते हैं तो उनके लिए बहुत सारी अट्रैक्शन है। जो इनकी यहाँ की ख़ास प्रोडक्ट है वो हर स्टेशन पे आपको मिलेगी। जैसे जिस जगह पे हमें अभी ताजरिश में, क्या नाम है, ताजरिश जो शहर है इनका तहरान में आगे इलाका है, वहाँ की जैतून और शहद और ज़ाफ़रान बहुत अच्छा है, तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा आपको यहाँ ये प्रोडक्ट मिलेंगी। और हमने भी ये प्रोडक्ट बाय किए हैं ताकि पाकिस्तान लेके जाएं और लुत्फानंदोज़ हो सके और याद आ सके कि हम वहाँ गए थे। यहाँ पे हमारा जो है ईरानी मेट्रो का सफ़र ख़त्म होता है क्योंकि हम अपने होटल के करीब तरीन स्टॉप पे जो है वो उतरे हैं। यहाँ से 5 मिनट की वॉक है हमारी, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, सस्ता है, कन्वीनियंट है, सेफ है, और सबसे बड़ी बात टाइम सेविंग आपका जर्नी है। अच्छा लगा तहरान, दिल चाह रहा है और भी दिन रुकें यहाँ पे और इसको एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहाँ रुकेंगे और इन चीज़ों को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून अस विद अस, अल्लाह हाफिज़।